दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे न्यूज़ यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमारे जितने भी कर्मचारी और पेंशन भोगी उनके लिए दोस्तों बहुत ही अच्छी खबर निकलकर सामने आ रही है। डीए में एक बार फिर जबरदस्त बढ़ोतरी और जो एरियर है उसका भी भुगतान। तो दोस्तों, आज हम आपको इस वीडियो के माध्यम से डिटेल से बताएंगे। जुड़े रहिए दोस्तों हमारे साथ इस वीडियो के लास्ट तक। अगर आपने हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल आइकन को भी जरूर दबाएं। जो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज और पेंशनर से संबंधित न्यूज आती है उसका नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुँच सके। तो आइए दोस्तों, बिना किसी देरी के हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। केंद्रीय कर्मचारी के लिए अच्छी खबर, डीए में 13% की बढ़ोतरी और आदेश जारी, 5 महीने के एरियर्स का भुगतान भी होगा, मई में मिलेगा लाभ। जी हाँ दोस्तों, इसमें केंद्रीय जो 5th पे कमीशन कर्मचारी के डीए में बढ़ोतरी की घोषणा के बाद केंद्र सरकार जो अन्य कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया है। जो 5th CPC के अकॉर्डिंग दोस्तों, जो वेतनमान का पालन करने वाले कर्मचारी के महंगाई भत्ते में वृद्धि की घोषणा की गई और इसके लिए जो आदेश वो भी जारी कर दिए गए हैं। जारी आदेश के मुताबिक ऐसे कर्मचारी के मूल वेतन के साथ डीए में 50% के विलय के लाभ की अनुमति नहीं दी गई, उन्हें जो डीए बढ़ाकर 13% कर दिया गया। वहीं दूसरी तरफ ऐसे कर्मचारी जिसके मूल वेतन के साथ डीए में 50% के जो विलय के लिए लाभ की अनुमति दी गई थी, उनके जो डीए को बढ़ाकर 13% कर दिया गया था। अधोस्तक्षरी के इस विभाग का जो डेट दी गई है 24/10/1997 के वेतनमान का पालन करने वाले CPES के कर्मचारी को दे महंगाई भत्ते की दरें जो HPPC की सिफारिश द्वारा संसद हैं को संशोधित किया गया था। और इस विभाग ने 24/8/2021 में समसंख्या कार्यालय ज्ञापन के क्रम में HPPC की सिफारिश द्वारा शासित CPSE के कर्मचारी को दे महंगाई भत्ते की दरें जिन्हें DPE के अनुसार अपने वेतनमान को संशोधित नहीं किया गया, जो संख्या इसमें जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं दोस्तों, जो आदेश में संख्या बताई जा रही है वो 2/54/2008 DPE जो दिनांक 14/10/2008 नियमन के अनुसार। तो इसमें जो पूरी डिटेल है दोस्तों वो हम आपको बताते हैं कि अब उन जो CPSE के मामले में जिन्होंने DPE के कार्यालय ज्ञापन में निहित मूल्य वेतन के डीए के 50% के विलय के लाभ की अनुमति नहीं दी गई, दिनांक 24/5/2005 को उनके कर्मचारी के दे में 418% की मौजूदा दर को 1/1/2022 से 431% तक बढ़ाया गया है। उन CPSE के मामले में जिन्होंने DPE कार्यालय ज्ञापन के निहित मूल्य वेतन के साथ जो डीए में 50% के विलय की अनुमति दी, दिनांक 24/5/2005 में उनके कर्मचारी को डीए मूल्य 368 की मौजूदा दर को 1/1/2022 से बढ़ाकर 381 कर दिया गया है। महंगाई भत्ते के मूल जो भुगतान में 50 पैसे और उससे अधिक के अंश को अलग से जो उस दर रुपये के पूर्वांकित किया जा सकता है, वहीं 50 पैसे के कम के अंशों की उपेक्षा की जा सकती है। भारत सरकार के द्वारा प्रशासनिक मंत्रालय विभागों से अनुरोध है कि वे अपनी ओर से आवश्यक कार्रवाई के लिए पूर्वांक को अपने प्रशासनिक नियंत्रण में आने वाले केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के ध्यान में लाएं। तो दोस्तों, ये थी आज की हमारी लेटेस्ट अपडेट। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी है। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलेंगे जल्द ही बड़ी अपडेट के साथ, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद, जय जवान, जय किसान।